बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? द टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग दैट वॉज एचआरआर, योर लेक्चर द सेम डॉक्टर सईद जुल्फिकार अली शाह। आज के लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले, जहां पे हम लोग कंक्लूड करने जा रहे हैं एचआरआर को, लेट्स हैव अ शॉर्ट ग्लिम्स वट एवर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। पिछली क्लास में वी टॉक्ड अबाउट इस्लामिक बैंक्स इजारा मुंतहिया बी तमलीक। इस्लामिक बैंक्स का इजारा क्या है, मुंतहिया बी तमलीक क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, इनके ऊपर बात की हम लोगों ने। फिर हमने मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर बात की, जो कि मॉडर्न यूज़ ऑफ इजारा के आज के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात की, उनके सोल्यूशंस के ऊपर बात की। फिर वी टॉक्ड अबाउट असाइनमेंट ऑफ द लीज्ड एसेट्स एंड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लीसेज। कौन कैसे कैसे सिक्योरिटाइजेशन की जा सकती है, असाइनमेंट्स कैसे उसके साथ अटैच की जा सकती हैं। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल ऑफ इजारा के ऊपर बात की कि इजारा का पोटेंशियल क्या है। तो आज कोशिश करते हैं ख़त्म करने की कि समरी ऑफ गाइडलाइंस फॉर इस्लामिक बैंकर्स ऑन इजारा हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस कर लें। इसमें हम लोग बात करेंगे रिस्क मिटिगेशन इन केस ऑफ इजारा, इजारा के केस के अंदर रिस्क मिटिगेशन टूल्स क्या है। इसमें हम नेचर ऑफ रिस्क देखेंगे, फिर उसका मिटिगेशन टूल आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ऑटो इजारा कंपेयर विद कॉन्वेंशनल लीजिंग प्रोडक्ट्स। फिर हाइपोथेटिकल केस स्टडी ऑन इजारा एक डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा सा समझ आए डिफरेंट केसेस के साथ कि इजारा एक्चुअली कैसे मूव करता है एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इजारा। फिर विल ऑल्सो टॉक अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इजारा एज वेल, कि इजारा की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। तो आप तमाम लोग तैयार हैं तो शुरू करें। ओके, समरी ऑफ गाइडलाइंस फॉर इस्लामिक बैंकर्स ऑन इजारा। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीजेस। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस के मुताबिक ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वेंशनल लीजेस, तो वहां पर ऑपरेटिंग लीज इज डिफरेंट एंड फाइनेंस लीज इज डिफरेंट। इफ ऑल ऑफ द फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज सब्जेक्ट मैटर कॉन्सिडरेशन एंड द पीरियड इन इजारा आर टेकन केयर ऑफ, Ijara can be used as the mode of modern business by the financial institutions in the form of Ijara Muntahiya Bi Tamleek. Agar charon jo basic essentials hain Ijara ke, jisme kaun kaun se shamil hain, ek to wo elements jo ke contracting party se relevant hain, phir wo elements jo ke subject matter se relevant hain, phir wo cheezein jo ke consideration se relevant hain, aur wo cheezein jo ke period of Ijara se relevant hain. Agar in tamam cheezon ki care kar li jaye तो इजारा को मॉडर्न बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी और ऑफ कोर्स बैंक्स के थ्रू भी, फॉर एज ए फॉर्म ऑफ मुंतहिया बी तमलीक। द डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस रिगार्ड इज द रिस्क रिलेटिंग टू ओनरशिप दैट मस्ट रिमेन विद द लेसर एंड सेल शुड बी सेपरेट फ्रॉम द लीज। जो डिसाइडिंग फैक्टर है रिस्क के हवाले से, जो कि ओनरशिप से रेलिवेंट है, उसको लेसर तक ही होना चाहिए और सेल जो है दैट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द लीज। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात की कि चूंकि ओनरशिप लेसर के पास ही रिटेन रहती है, तो उसके रिस्क भी जो हैं वो सारे के सारे ओनर के साथ या लेसर के साथ ही एसोसिएटेड रहेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई सेल और लीज कॉन्ट्रैक्ट दोनों है, तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सेपरेट एंड लीज का कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सेपरेट। नंबर टू, द लीज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट कैन नॉट कमेंस बिफोर द बैंक takes the possession of the asset to be leased. If the time of possession of the asset to be leased is unknown, the whole arrangement will be provisional. Lease ek identified asset ki wo commence nahi ho sakti before the possession of the asset to be leased. Of course, वो lease जो कि हम लोग करने जा रहे हैं जिस asset को, जब तक उस asset की possession आपके पास नहीं है, उसको lease नहीं किया जा सकता. If the time of possession of the asset to be leased is unknown, अगर हमें उसके वक्त का भी नहीं पता कि ये possession में किस वक्त आ जाएगा या कब आ जाएगा, the whole arrangement will be provisional. तो सारी की सारी arrangement जो है वो provisional होगी, तो उसके बारे में कोई भी जो है certification would not be there. तो पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि operating lease और finance lease में कोई फर्क नहीं है,
अगर चारों एलिमेंट्स का जो है वो टेक केयर कर लिया जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इजारा मुंतहाई भी तमलीक के अंदर जा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस एसेट को लीज किया जाना है उसकी पोजीशन इज कंपल्सरी, वो आपके हाथ में होना चाहिए, फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। नंबर थ्री, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परमिसेबल इन शरिया। कोई भी अरेंजमेंट ऐसा जिसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया जाए, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। देयरफॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट हैव द एग्रीमेंट ऑफ हायर एंड परचेज बिल्ट इनटू अ सिंगल एग्रीमेंट। इसलिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हायर एंड परचेज का जो एग्रीमेंट है उसको एक सिंगल एग्रीमेंट के अंदर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर सेल का एग्रीमेंट है तो दैट शुड बी सेपरेट, और अगर लीज का एग्रीमेंट है तो दैट शुड ऑल्सो बी सेपरेट। नंबर फोर, व्हेन द पीरियड ऑफ लीज कम्स टू एन एंड द बैंक कैन ट्रांसफर द ओनरशिप टू द क्लाइंट और डिस्पोज ऑफ इट इन द ओपन मार्केट। जब पीरियड ऑफ लीज खत्म हो जाए तो बैंक ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप को क्लाइंट को, या फिर एसेट को जनरल मार्केट के अंदर बेच सकता है। इफ द बैंक ट्रांसफर्स द ओनरशिप टू द लेसी, अगर बैंक ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है लेसी को, द प्रॉपर सेल एग्रीमेंट और गिफ्ट डीड शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रॉपर या तो सेल एग्रीमेंट होगा या फिर गिफ्ट डीड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर द ओनरशिप इज बाइंडिंग ऑन द प्रोमिसर ओनली। ये जो वादा है इसको ओनरशिप को ट्रांसफर करने का, ये बाइंडिंग होती है प्रोमिसर के ऊपर सिर्फ। द अदर पार्टी मस्ट हैव द ऑप्शन नॉट टू प्रोसीड। दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन हर वक्त रहता है कि वो चाहे तो इसमें जाए और चाहे तो ना जाए। द WAO IFI स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स फॉर प्रॉमिस बाय द लेसर। ये जो WAO IFI स्टैंडर्ड्स हैं वो लेसर की तरफ से प्रॉमिस के बारे में बात करते हैं। वाइल मैनी इस्लामिक बैंक्स एज इन द केस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर ज्यूरिस्डिक्शंस टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द लेसी एंड डीम इट बाइंडिंग ऑन हिम। जबकि कई इस्लामिक बैंक्स जैसे पाकिस्तान का केस भी है और जो दूसरी ज्यूरिस्डिक्शंस हैं वहां पर भी अंडरटेकिंग्स लेती हैं लेसी से और इसको बाइंडिंग उस पर समझती हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो है वो लेसर के ऊपर बाइंडिंग लगाता है। अबाइडिंग बाय द WAO IFI स्टैंडर्ड इन दिस रिगार्ड सीम्स टू बी जस्टिफाइबल। WAO IFI का जो स्टैंडर्ड है उसको अबाइड करना इस तरीके से जस्टिफाइबल नजर आता है एंड नियरर टू द स्पिरिट ऑफ द शरिया, और स्पिरिट ऑफ शरिया के करीब भी नजर आता है। नंबर नेक्स्ट, द लेसर बियर्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द कॉर्पस ऑफ द एसेट। लेसर एसेट से रिलेवेंट तमाम एक्सपेंसेस जो कि उसके कॉर्पस को चेंज ना करें, उसके साथ जो भी खर्चे आएंगे वो लेसर की जिम्मेदारी होगी। दैट इज तकाफुल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स एटसेट्रा, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रनिंग द एसेट हैव टू बी बॉर्न बाय द लेसी। जिनके अंदर ऑफकोर्स तकाफुल और एक्सीडेंटल रिपेयर्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो लेसी ही को बॉर्न करने होते हैं। तकाफुल एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बैंक कैन बी रिकवर्ड इन द लीज रेंटल। तकाफुल और जो दूसरी कॉस्ट हैं जो बैंक करता है उसको लीज रेंटल के अंदर रिकवर होना होता है, सब्जेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कि ऑफ कोर्स जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि ये सारी कॉस्ट थी और इसके ऊपर हम ये रेंटल लगा रहे हैं। इफ द कस्टमर पेज द तकाफुल कॉस्ट एज एजेंट ऑफ द बैंक, अगर कस्टमर तकाफुल कॉस्ट पे करता है बैंक के एजेंट के तौर पर, इट विल बी रीइंबर्स टू द क्लाइंट बाय द बैंक। तो ये रीइंबर्स होगी क्लाइंट की तरफ से, क्लाइंट को बैंक की तरफ से। नंबर नेक्स्ट, अ बैंक कैन ज्वाइंटली एक्वायर एन एसेट विद अ कस्टमर। बैंक कस्टमर के साथ एक एसेट को ज्वाइंटली भी एक्वायर कर सकता है। हु विशेस टू गेट द एसेट ऑन लीज, जो के एसेट को लीज पर लेना चाहता है, द बैंक कैन देन लीज इट्स शेयर ऑफ द एसेट एज पर द अंडरटेकिंग ऑफ द कस्टमर। बैंक इसके बाद इसका शेयर लीज कर सकता है एसेट का कस्टमर की अंडरटेकिंग के मुताबिक। द रेंटल टू बी रिसीव्ड बाय द बैंक शुड बी इन प्रोपोर्शन टू इट्स शेयर। रेंटल जो बैंक को मिलेगा उसके प्रोपोर्शन ऑफ शेयर के मुताबिक मिलेगा इन द ओनरशिप ऑफ द एसेट, जितनी उसकी ओनरशिप है।
तो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि जारा के हवाले से हमने बड़ी डिटेल में पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किए, उनको समराइज हमने यहाँ पर कर लिया कि जारा इस्लामी शरिया के मुताबिक किस तरीके से किया जा सकता है। अब आगे बात शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मिटिगेशन इन द केस ऑफ इजारा। इजारा के केस के अंदर कौन कौन से रिस्क मौजूद होते हैं और उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम लोग नेचर ऑफ रिस्क की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके मिटिगेटिंग टूल की बात करेंगे कि हाउ दैट पर्टिकुलर रिस्क कैन बी मिटिगेटेड। तो द वेरी फर्स्ट रिस्क जिसके बारे में हम लोग बात शुरू करेंगे, दैट इज द बैंक हैज परचेज द एसेट एज पर द अंडरटेकिंग बाय द कस्टमर। बैंक ने एसेट परचेज कर लिया कस्टमर की अंडरटेकिंग के मुताबिक, बट द लेटर रिफ्यूजेस टू टेक द एसेट ऑन लीज। लेकिन कस्टमर रिफ्यूज कर देता है एसेट को लीज पर लेने से, तो ऑफ कोर्स बैंक के लिए तो अनसर्टेनिटी है और उसके लिए रिस्क है कि अब वो कहां जाएगा। अगर उसने परचेज कर लिया, कस्टमर ने अगर आपको एक रिक्विजिशन दी थी पहले एंड कस्टमर वॉज एग्रीड कि उसने इसको खरीदना ही खरीदना है, सॉरी कस्टमर ने इसको लीज पे लेना है, आपने उसके लिए खरीद लिया, अब अगर वो लीज पे लेने को तैयार नहीं है तो व्हाट अबाउट इट्स कॉस्ट्स। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स। जैसे कहते हैं अ बाइंडिंग प्रॉमिस टू लीज शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर एट द टाइम ऑफ बुकिंग और परचेज ऑफ द एसेट बाय द बैंक। एक बाइंडिंग प्रॉमिस कस्टमर से ले लेना चाहिए जिस वक्त उसके साथ ये लीज हो रही है, जब वो आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है। हमेश जिदिया शुड ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द क्लाइंट। हमेश जिदिया या अर्नेस्ट मनी वो भी क्लाइंट से ले लेनी चाहिए। द बैंक कैन सेल द एसेट इन द ओपन मार्केट। ऐसी सिचुएशन में बैंक एसेट को ओपन मार्केट में बेच सकता है एंड द एक्चुअल लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द हमेश चिदिया, और जो उसका एक्चुअल लॉस है वो हमेश चिदिया से रिकवर हो सकता है। तो क्या बात हुई, पहला रिस्क क्या है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास रिक्वेस्ट करता है कस्टमर कि मुझे ये एसेट लीज कराना है और वो उसके लिए वो एसेट को खरीद भी लेता है, और अगर वो कस्टमर बैकआउट कर जाता है तो हाउ टू मैनेज दैट। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि जब वो रिक्विजिशन दे रहा है आपको, तो आप उस वक्त उससे एक बाइंडिंग प्रॉमिस लें कि वो आपसे इस एसेट को खरीदेगा ही खरीदेगा, अगर आप उसके लिए ये ले लेते हैं तो इसको लीज कराएगा ही कराएगा। एट द सेम टाइम आप उसे अर्नेस्ट मनी भी रख लेते हैं, कुछ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ अमाउंट रख लेते हैं। अगर कल उसने बैकआउट कर दिया तो व्हाट विल यू डू, आप एसेट को ओपन मार्केट के अंदर बेचेंगे, और अगर कोई लॉस आ गया है जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है, दैट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द हमेश जिदिया या अर्नेस्ट मनी। इसके थ्रू यू कैन मैनेज योर दिस टाइप ऑफ रिस्क। तो ये तो था पहला नेचर ऑफ रिस्क, जो कि जिसको मैं कह सकता हूं कि ये एक प्राइमरी नेचर ऑफ रिस्क भी है। सेकेंड, द कस्टमर मे डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ ड्यू रेंटल। कस्टमर जो उसका रेंटल ड्यू है उसकी पेमेंट में भी डिफॉल्ट कर सकता है। द बैंक माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इवन इट्स इन्वेस्टमेंट। बैंक शायद अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर ना करवा सके। द एसेट इज टेकन बैक, एसेट को वापस ले लिया जाता है, बट इट डज नॉट कवर द लॉस। लेकिन ये लॉस कवर नहीं कर सकता अगर आप एसेट वापस ले भी लेते हैं तो। नाउ हाउ टू डील विद दैट। रिस्क क्या है कि अगर कस्टमर एसेट को लीज कराने के बाद पेमेंट्स नहीं करता, और अगर आप अपना एसेट वापस ले भी लेते हैं और जब मार्केट में बेचते हैं तो आपके लॉसेज ही रिकवर नहीं होते, तो यू आर एट द स्टेक। ऑफ कोर्स आपको तो इशू है कि अब आप इसके साथ क्या करें। नाउ इसके बारे में हम कौन सा मिटिगेटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अंडरटेकिंग शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर टू पे अ सर्टन अमाउंट टू चैरिटी इन द केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ रेंटल। वैसे तो इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अगर आपने कोई चीज़ डिले हुई तो डिले की वजह से आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करें, लेकिन हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि आज के जो कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्ट हैं उनका इज्तिहाद है इसके ऊपर कि अगर पेमेंट लेट हो जाती है तो कस्टमर को इस चीज़ की अहमियत दिलाने के लिए आप उसे लेट फीस चार्ज करें, लेकिन वो लेट फीस जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को नहीं आनी चाहिए जिसको उसने पे करने थे पैसे, वो एज ए चैरिटी इस्तेमाल होने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि आप उससे एक अंडरटेकिंग ले लें कि अगर उसकी पेमेंट लेट हुई तो वो अमाउंट एक लेट पेनल्टी उसके ऊपर चार्ज होगी एंड दैट पेनल्टी वुड बी डायरेक्टली पेड टू द चैरिटी अकाउंट। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक प्रेशर होगा कि अगर मैं इन टाइम पेमेंट नहीं करता तो मुझे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। दिस अमाउंट विल गो टू द चैरिटी अकाउंट
ये चैरिटी अकाउंट में जाएगी. एनी एक्चुअल लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हमेश चिदिया. कोई भी एक्चुअल लॉस जो है वो हमेश चिदिया से रिकवर होगा, जो हमने पहले रिस्क मिटिगेटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया कि हम उसे एक अर्नेस्ट मनी रखवा लेंगे. सिक्योरिटीज और कोलेट्रल कैन ऑल्सो बी रियलाइज्ड. आपकी जो सिक्योरिटी आपने रखी थी या जो कोई कोलेट्रल रखा था, आप उसको भी रियलाइज करा सकते हैं इस केस के अंदर. तो बात क्या हुई, रिस्क क्या था कि कस्टमर हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए, कस्टमर हो सकता है पेमेंट ना करे. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, और ऑफ कोर्स आपका जो लेसर है उसको लॉसेस हो सकते हैं. इसका रिस्क मिटिगेटिंग टूल ये है कि आप, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. पहला तो ये है कि आप उसको एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट उससे लें कि अगर लेट पेमेंट करेगा तो उसको लेट फीस चार्ज होगी, और लेट फीस जो है वो चैरिटी अकाउंट के अंदर जाएगी. दूसरी बात यह कि अगर आपको कोई लॉसेज होते हैं तो आप हमेश चिदिया जो अर्नेस्ट मनी रखी थी उसमें से रिकवर करें. तीसरी बात यह कि अगर कोई सिक्योरिटी या कोलेट्रल लिया हुआ था तो आप अपने लॉसेस को उससे भी रिकवर कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, सिक्योरिटी या कोलेट्रल रखवाएं, अर्नेस्ट मनी रखवाएं, और उससे बाइंडिंग रखवाएं कि एक्स्ट्रा पेमेंट वुड बी चार्ज इफ द पेमेंट वुड बी डिलेड. बट ऑफ कोर्स टू फुलफिल द इस्लामिक शरिया कॉन्सेप्ट, द लेट पेमेंट वुड बी ट्रांसफर टू द चैरिटी अकाउंट. नाउ द थर्ड रिस्क इज एसेट रिस्क ऑफ मेजर मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन. एसेट का रिस्क जिसके अंदर मेजर मेंटेनेंस या डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होगी. नाउ हाउ टू मैनेज इट, दिस रिस्क कैन बी मैनेज्ड थ्रू अ तकाफुल फैसिलिटी. इसको हम मैनेज कर सकते हैं तकाफुल फैसिलिटी के थ्रू. जैसे फर्ज करें कि मैं घर दे रहा हूं किसी को लीज पर. अब मुझे इसमें यह है कि अगर ये बिल्डिंग गिर गई या इसमें आग लग गई, जलजला आ गया, तो इसके साथ अगर कुछ हो गया बिल्डिंग के साथ, तो ऑफ कोर्स ये वो चीजें हैं जो कि लेसी के कंट्रोल में तो नहीं है. इस रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो इसका सीधा सीधा सा असूल है जिसकी इजाजत देता है इस्लाम भी, कि आप इसके बदले में तकाफुल करा लें, आप इसकी इंश्योरेंस करा लें. नाउ द नेक्स्ट नेचर ऑफ रिस्क इज अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट. अगर लीज एग्रीमेंट अपनी ड्यू डेट से पहले टर्मिनेट होता है तो. इसे क्या मुराद, लेट्स सपोज मेरा लीज एग्रीमेंट है फ्रॉम 1 जनवरी 2010 टू 31 दिसंबर 2011 तक, और ये मार्च 31 2011 ही को ये अर्ली टर्मिनेशन हो जाती है. और इसको हमने पढ़ा था कि अर्ली टर्मिनेशन किन किन तरीकों से होती है या किन किन जगहों के ऊपर अर्ली टर्मिनेशन हो जाती है. बाजुकात फोर्सफुली हो जाती है, बाजुकात विलिंगफुली हो जाती है, लेकिन ये अर्ली टर्मिनेशन इज पॉसिबल. Keeping in mind the market value, the bank can also take the asset back and sell in the market to redeem its investment. ऐसी सिचुएशन में मार्केट वैल्यू को जहन में रखते हुए बैंक एसेट को वापस ले सकता है और इसको बेच सकता है मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने के लिए. इन मोर रिस्की केसेस एन अंडरटेकिंग टू परचेज द एसेट एट अ प्री अग्रीड प्राइस स्केड्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कस्टमर. इससे ज्यादा रिस्की केसेस के अंदर एक अंडरटेकिंग ली जा सकती है एसेट के परचेज के हवाले से, जो कि प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर होगी, जिसमें स्केड्यूल भी शामिल होगा उसका फ्रॉम द कस्टमर. तो ये चार डिफरेंट रिस्क हैं और उनके आगे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी हैं. कौन कौन से रिस्क हैं, सबसे पहला रिस्क क्या कि अगर एसेट बैंक परचेज कर लेता है कस्टमर के कहने पर और कस्टमर बैकआउट कर जाता है कि हम इसको लीज नहीं कराते. इसका सोल्यूशन क्या था, एक तो शुरू में रिक्विजिशन के साथ उससे बाइंडिंग प्रॉमिस लिया जाए या उससे एक अर्नेस्ट मनी ली जाए, हमेश चिदिया जिसे बोलते हैं, ताकि वो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी भी होगी और आप लोग लॉस को उससे रिकवर कर सकेंगे. दूसरा रिस्क क्या था कि कस्टमर हो सकता है अपनी पेमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट कर जाए. चूंकि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर आप लेट पेमेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते, तो अगर लेट पेमेंट एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी तो एक वक्त आएगा वो डिफॉल्ट कर जाएगा. अब क्या करें, तो इसके लिए एक सॉल्यूशंस ये थे, पहला तो बाइंडिंग प्रॉमिस हो कि लेट पेमेंट नहीं होगी, और अगर होगी तो उससे एक लेट फीस चार्ज होगी और लेट फीस जो है वो चैरिटी अकाउंट के अंदर जाएगी, ताकि इस्लामिक शरीयत भी जो है वो फॉलो होती रहे. फिर दूसरा ये है कि हमें इश्तिदिया लिया हुआ होगा तो अगर कोई लॉस होता है तो वो हम लोग वहां से रिकवर कर सकेंगे. तीसरे नंबर के ऊपर आप लोग सिक्योरिटाइजेशन या कोई कोलेट्रल रखवाएंगे जिसके थ्रू ऑफकोर्स अगर कोई लॉस हो तो यू कैन रिकवर फ्रॉम देयर. तीसरा ये है कि अगर एसेट के अंदर कोई मेजर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हाउ टू डील विद दैट. अब चूंकि दिस वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेसर, तो इसके बारे में क्या होगा, तो
यहां पर हम ये कहते हैं कि उसके लिए कोई और सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप उसका तकाफुल कराएं। चौथा रिस्क ये था कि अगर लीज अर्ली टर्मिनेट हो जाती है तो व्हाट टू डू विद दैट। पहले तो लीज अर्ली टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो क्या होगा ये जहन में होना चाहिए कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और फिर जब आप उसको मार्केट के अंदर बेचते हो एसेट को वापस लेकर तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हो। और कई रिस्की केसेस के अंदर आप प्री एग्रीड प्राइस के ऊपर एक स्केड्यूल भी तय कर लेते हो कस्टमर के साथ कि भाईजान अगर ये प्री लीज होगी तो उसके ऊपर ये कुछ जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट रिस्क वुड बी द लेसी मे यूज द एसेट केयरलेसली रिक्वायरिंग द बैंक टू बेयर मेजर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। हो सकता है लेसी एसेट को केयरलेसली इस्तेमाल करें और बैंक से रिक्वायर करें कि वो मेजर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स को बेयर करें। अभी बात तो ऑफकोर्स है कि लेसर जो है कोई मेजर एक्सपेंसेस वो ऑफकोर्स लेसर ही को बेयर करने होते हैं, तो लेसी उसको यूज भी केयरलेसली अगर करना शुरू कर दे तो मेजर एक्सपेंसेस तो होंगे, तो हाउ टू मिटिगेट दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क। अ ट्रस्ट रिसीट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर टू बाइंड हिम टू यूज द एसेट एज अ ट्रस्टी। एक ट्रस्ट रिसीट लेनी चाहिए कस्टमर से और उसको बाइंड किया जाना चाहिए इस प्रॉमिस के अंदर कि वो एसेट को एज ए ट्रस्टी ही इस्तेमाल करेगा। इट मे बी मैंशन इन द ट्रस्ट रिसीट दैट लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द कस्टमर शैल बी बॉर्न बाय द कस्टमर हिमसेल्फ। और ये भी ट्रस्ट रिसीट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई लॉस कस्टमर की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होता है तो वो भी उसको खुद से भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी लीज कराता हूँ और गाड़ी लीज कराकर वैसे तो चूंकि इसका ओनर जो है वो बैंक खुद होगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है कुछ और हो जाता है तो ऑफकोर्स इसकी कॉस्ट किसको भरनी चाहिए? ऑफकोर्स लेसर को। लेकिन अगर मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ और मोटरवे पे स्पीड लिमिट जो है दैट इज 120 किलोमीटर्स पर आवर और मैं गाड़ी चला रहा हूँ 150 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर, ऐसी सिचुएशन में अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी उलट जाती है, तो यहाँ पर नेग्लिजेंस किसकी है? द नेग्लिजेंस वुड बी ऑफ माइन। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लेसर को नहीं कहना चाहिए कि आप मुझे कुछ दें। तो इसीलिए आप उसको एज ए सबसे पहले एक ट्रस्ट रिसीट लेते हैं, ट्रस्ट रिसीट के अंदर मेंशन करते हैं कि वो इसको एज ए ट्रस्टी ही इस्तेमाल करेगा, और वहीं पे एक प्रॉमिस ले लेते हैं ट्रस्ट रिसीट के अंदर कि अगर उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस होता है तो लॉस वुड बी बेयर बाय कस्टमर हिमसेल्फ। नेक्स्ट रिस्क वुड बी रेट ऑफ रिटर्न रिस्क ड्यू टू इन्फ्लेशन। जो रेट ऑफ रिटर्न आपने डिसाइड किया है वो इन्फ्लेशन की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, तो देर वुड बी अनसर्टेनिटी ऑफ दैट कि क्या वो मार्केट के इन्फ्लेशन के साथ मैच कर रहा है या कि नहीं कर रहा। दिस रिस्क कैन बी कवर्ड थ्रू अ बेंचमार्क फ्लोटिंग रेंटल रेट। इस रिस्क को कवर किया जा सकता है, आप लोग बेंचमार्क फ्लोटिंग रेट बना सकते हैं कि जनाब बेंचमार्क ये है 5% और इसके ऊपर इन्फ्लेशन के साथ हम चल रहे हैं, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी दैट वुड बी एडेड इन दैट विच इज परमिसेबल सब्जेक्ट टू अ फ्लोर एंड कैप, जिसकी इजाजत है अगर आप फ्लोर और कैप रख लेते हैं। फ्लोर मींस के मिनिमम कहां तक जाएगा और कैप मींस मैक्सिमम कहां तक जाएगा। दिस इज अ वेरी टेक्निकल रिस्क कि अगर फर्ज करें मैं कार ही लीज कराता हूं और जो रेट ऑफ रिटर्न बैंक ने अपना रखा वो बैंक ने 7% रखा, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और एक साल के अंदर इन्फ्लेशन को 15% पे पहुंच जाता है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न उसको मिल रहा है वो तो सिर्फ 7% है, व्हाट अबाउट इंक्रीज इन दैट। तो अब ऐसे रिस्क को मैनेज करने के लिए हम लोग फिक्स रेट नहीं बनाते, हम इसका एक फ्लोटिंग रेट बना लेते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हम बेंचमार्क रेट बना लें 5% और कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम उसके ऊपर उतना प्रीमियम ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत देता है फ्लोर और कैप रखने से कि कहां तक मिनिमम आ गया तो आपका रेट मिनिमम आएगा। जैसे अगर हम डिसाइड कर लें कि 7% वुड बी योर मिनिमम रेट और 15% वुड बी योर मैक्सिमम रेट, अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन 15% हो जाती है और 5% मेरा बेंचमार्क रेट है तो मेरा टोटल कैप क्या है दैट इज 15%, लेकिन रेट कितना बन रहा है 20%, तो मैं किसको कौन सा रेट अप्लाई होगा दैट वुड बी 15%। इसी तरह इन्फ्लेशन गिरना शुरू हो जाती है तो मैं मैक्सिमम कहां तक गिर सकता हूं 7% तक, इससे नीचे नहीं जा सकता बिकॉज माई फ्लोर इज 7%।
तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लामिक शरिया कि जब भी आप फ्लोटिंग रेट लगाएंगे तो फ्लोटिंग रेट के ऊपर यू विल हैव टू मैनेज मैक्सिमम एंड मिनिमम, और आपको पहले से आइडेंटिफाई करना होगा, उससे आप ऊपर नीचे नहीं हो सकेंगे. नेक्स्ट रिस्क इज सेल ऑफ एसेट एट मैच्योरिटी, द कस्टमर मे नॉट बाय. एसेट जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसका सेल जब लीज आपका टर्मिनेट होता है, जब लीज मैच्योर हो जाए, और हो सकता है कस्टमर इनकार कर दे उसको खरीदने से बिकॉज आपने पहले से कोई बाइंडिंग तो नहीं लगाई हुई. ऐसी सिचुएशन में उस एसेट के साथ लेसर क्या करेगा? तो इसका मिटिगेटिंग टूल कैन बी ओनली दोज एसेट्स शुड बी लीज्ड दैट हैव सफिशिएंट रीसेल वैल्यू दैट द बैंक कुड सेल देम इन द मार्केट. पहली बात तो यह कि सिर्फ उन एसेट्स को लीज करना चाहिए जिनकी एक सफिशिएंट मार्केट रीसेल वैल्यू मौजूद हो. मतलब ये ना हो कि हमने कोई ऐसा एसेट बेच दिया या कोई ऐसी गाड़ी हमने लीज कर दी जिसके मार्केट के अंदर रीसेल ही नहीं है. तो अब ऐसी सिचुएशन में जिसकी आज रीसेल नहीं है, हम उससे फ्यूचर में कैसे रीसेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग इस्तेमाल भी करें, इस्तेमाल के बाद भी हम मार्केट में बेचें तो फिर भी हमें मार्केट वैल्यू मिल जाए? तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स नियर टू इम्पॉसिबल. ऑल्टरनेटिवली अ सेपरेट प्रॉमिस टू परचेज एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर. इसके अलावा ये किया जा सकता है कि एक सेपरेट परचेज प्रॉमिस ले लिया जाए कस्टमर से कि लीज पीरियड के एंड के ऊपर कस्टमर इसको खरीदेगा. तो दो इसके सोल्यूशन हुए. पहला सोल्यूशन कि एसेट ही वो लीज किया जाए जिसकी मार्केट में रीसेल मौजूद है. दूसरा, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट एक और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाए कि जब ये लीज एंड होगी तो एक बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आप इस एसेट को खरीदेंगे भी. तो मजीद कौन कौन से रिस्क हो गए? पांचवा रिस्क था कि लेसी हो सकता है एसेट को केयरलेसली यूज करे और उसके कुछ ऐसे खर्चे आ जाएं जो कि उसकी उसके कॉर्पस को छेड़ दें. तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ कोर्स रिस्पांसिबिलिटी तो लेसर की बनेगी. इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो उसका एक सादा सा तरीका था कि आप एक ट्रस्ट रिसीट लें उससे कि ये यू विल बी टेकिंग द एसेट एज अ ट्रस्टी, और उसके अंदर एक और क्लॉज भी ऐड करा ली जाए कि अगर कोई उसकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से कोई मिसअप होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसका जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे कौन पे करेगा? दैट वुड बी पेड बाय द कस्टमर. इसका मतलब है उसकी अपनी नेग्लिजेंस या उसकी अपनी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए. फिर रिस्क था कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो और इन्फ्लेशन आपस में मैच नहीं करते. तो उसका सादा सा सोल्यूशन ये था कि आप फिक्स रेट ना लगाएं, आप इसको फ्लोटिंग रेट बना दें, फ्लोटिंग रेट के अंदर एक बेंचमार्क रख लें, तो योर रिस्क वुड बी मिटिगेटेड. तीसरे नंबर के ऊपर, अगर लीज टर्मिनेशन के ऊपर आपका कस्टमर जो है वो एसेट बाय नहीं करता, उससे रिफ्यूज कर देता, नाउ वेयर द बैंक वुड गो, या लेसर कहां जाएगा? अब ऐसी सिचुएशन में इसके दो सोल्यूशन थे. पहला तो ये कि आप एसेट्स ही वो लीज करें जिनकी मार्केट में रीसेल मौजूद है, ताकि अगर लीज टर्मिनेशन के ऊपर कस्टमर उसको खरीदने के ऊपर राजी नहीं होता तो आप ओपन मार्केट में जाकर उसको बेच दें. दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप शुरू में ही उससे एक बाइंडिंग प्रॉमिस तय कर लें कि एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ही इज बाउंड टू बाय द एसेट. तो ये थे 7 रिस्क्स और उनके मिटिगेटिंग टूल्स कि कैसे हम उनको मिटिगेट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं. तो आगे मूव करते हैं. ऑटो इजारा कंपेयर्ड विद कॉन्वेंशनल लीजिंग प्रोडक्ट्स. ऑटो इजारा को अगर हम लोग कंपेयर करें कॉन्वेंशनल लीजिंग प्रोडक्ट के साथ, तो कॉन्वेंशनल ऑटो लीज प्रोडक्ट्स एंड इस्लामिक इजारा मुंतहिया भी तमलीक. कॉन्वेंशनल फाइनेंसिंग लीज कंटेन हायर परचेज अरेंजमेंट्स विच आर नॉट परमिसेबल बाय शरिया. कॉन्वेंशनल फाइनेंस लीजेस जो हैं इनमें हायर परचेज अरेंजमेंट्स होती हैं जबकि शरिया इसकी इजाजत नहीं देती. द इजारा कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन एनी कंडीशन दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अंडर शरिया. दीज लीज रिमेन्स ऑब्जेक्ट टू ऑल इजारा रूल्स, सेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. इजारा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज शामिल नहीं होती जिसकी शरीयत इजाजत ना दे. लीज इजारा रूल्स को फॉलो करती है और सेल जो है वो इसका हिस्सा नहीं होती. तो दोनों में पहला डिफरेंस क्या हुआ? कॉन्वेंशनल ऑटो लीज
प्रोडक्ट्स के अंदर, फाइनेंस लीज के अंदर ये हायर परचेज एग्रीमेंट होता है जिसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती, और अगर शरीयत इजाज़त नहीं देती तो ऑफ कोर्स ये इस्लामिक लीज नहीं हो सकती। इस्लामिक लीज की रिक्वायरमेंट क्या है कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्लामिक लीज नहीं होगी जब तक शरिया के अंडर नहीं आएगा, और अगर शरिया के अंडर नहीं आता तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज वाइट। तो लीज जो है वो सब्जेक्ट टू इजारा रूल्स ही चल रही होती है, और सेल जो है वो इसका हिस्सा नहीं होती इस्लामिक इजारा मुंतहिया भी तमलीक के अंदर। सेकेंड इज, इन कॉन्वेंशनल लीजिंग स्कीम्स द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉस और डैमेज टू द व्हीकल इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसिस बींग आउट ऑफ हिज कंट्रोल। कॉन्वेंशनल लीज के अंदर अगर मैंने गाड़ी लीज कराई 15 साल के लिए लेट सपोज, तो इन 15 सालों के अंदर उसका ऑफ कोर्स अगर एक्सीडेंट होता है खुदा ना खास्ता, उसकी सीटें चेंज करानी है, उसका कोई और मसला आ जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड लाई विद मी क्योंकि आई एम द लेसी ऑफ दैट। मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे उसको पे करना है, चाहे वो बड़ा खर्चा है, चाहे वो छोटा खर्चा है, चाहे वो ऑपरेशनल है, चाहे वो उसकी नेचर का एक्सपेंस है, फंडामेंटल एक्सपेंस है, दैट वुड बी बॉर्न बाय लेसी। लेकिन ऑल रिस्क पर्टेनिंग टू ओनरशिप आर बॉर्न बाय द इस्लामिक बैंक। जितने भी रिस्क जो कि रिलेट करते हैं ओनरशिप के साथ वो इस्लामिक बैंक पे करेगा। द कस्टमर ओनली बियर्स यूजेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। कस्टमर सिर्फ उसके जो ऑपरेटिंग रेलिवेंट एक्सपेंसेस हैं, जैसे उसको इस्तेमाल करने के खर्चे हैं, सर्विसिंग है, मोबाइल चेंज कराना है, सॉरी मोबाइल ऑयल चेंज कराना है, या उसका उसका पेट्रोल का खर्चा है, पंचर लगवाना है, टायर चेंज कराने हैं, इस तरह के जो खर्चे होंगे वो ऑफ कोर्स कौन करेगा, लेसी। बाकी जो बड़े बड़े खर्चे हैं जो कि उसकी ओनरशिप से रिलेट करते हैं, जैसे तकाफुल हो गया, इंश्योरेंस होगी, वो सब कुछ जो है वो लेसर पे करेगा बिकॉज दीज आर ओनरशिप रेलिवेंट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट होती है कॉन्वेंशनल लीजिंग के अंदर, कि इंश्योरेंस जो है वो इसका हिस्सा नहीं होती लीज कॉन्ट्रैक्ट का। द इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ द एसेट इज बॉर्न डायरेक्टली बाय द लेसी। अब चूंकि उसका लीज का हिस्सा नहीं होती तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो लेसी खुद से पे करता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग कोई चीज़ फाइनेंस कराएं भी कॉन्वेंशनल बैंक से, तो कॉन्वेंशनल बैंक आपसे पहले पूछता है कि क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अगर इंश्योरेंस लेंगे तो योर इंस्टॉलमेंट वुड बी डिफरेंट, अगर इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो योर इंस्टॉलमेंट वुड बी डिफरेंट। इसका मतलब है दैट इज नॉट लाजिम मलजूम विद द लीज इन कॉन्वेंशनल लीजिंग, बट तकाफुल शुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ द लेसर। द लेसर हाउएवर मे इंक्रीज विद द कंसेंट ऑफ द लीज रेंट टू रिकवर द तकाफुल कॉस्ट। तकाफुल जो है ये वो खर्चा है जो कि लेसर को पे करना होता है, और ये तकाफुल कराना होता है लेसर जो है, लेकिन ये कर सकता है कि जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेंटल है, उसको इंक्रीज कर सकता है बाय ऑफ कोर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेसी। देन इफ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट कॉम्पनसेट द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द केस ऑफ लॉस और डैमेज। अगर इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट नहीं करती पूरे का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन केस ऑफ लॉस और डैमेज, द कस्टमर इज लायबल टू पे द बैलेंस। तो जो बैलेंसिंग खर्चा होगा वो सारा का सारा लेसी पे करेगा। द इस्लामिक बैंक बेयर्स द रिस्क ऑफ तकाफुल क्लेम सेटलमेंट। इस्लामिक बैंक जो रिस्क ऑफ तकाफुल क्लेम है वो सारा का सारा इस्लामिक बैंक ही सेटल करता है। इन अदर वर्ड्स, इस्लामिक बैंक के केस के अंदर जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो इस्लामिक बैंक ही सेटल करेगा, लेसर उसको सेटल करेगा। तो डिफरेंसेस कौन कौन से अभी तक डिस्कस किए। पहला डिफरेंस ये है कि कॉन्वेंशनल फाइनेंस लीज के अंदर हायर परचेज अलाउड होती है, जबकि इस्लामिक फाइनेंस लीज के अंदर शरिया रेलिवेंट जो आपके रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, और सेल जो है वो इजारा का हिस्सा नहीं होती। फिर कॉन्वेंशनल लीजिंग स्कीम्स के अंदर कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होता है या लेसी रिस्पॉन्सिबल होता है सारे खर्चों का, चाहे वो उसके कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस्लामिक लीज के अंदर लेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेसर रिस्पॉन्सिबल होता है ओनरशिप रेलिवेंट एक्सपेंसेस के अंदर। तीसरा डिफरेंस, कॉन्वेंशनल लीज के अंदर इंश्योरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट, बट इन इस्लामिक फाइनेंस
انشورنس اور تکافل از دا پارٹ آف لیز اگریمنٹ، اور لیسر یہ خرچے پہ کرتا ہے. ہاں ایک چیز کی اجازت ہے کہ لیسر اگر چاہے تو میوچول کانسنٹ کے ساتھ جو کاسٹ آف رینٹل ہے اس کو انکریز کرا سکتا ہے. پھر انشورنس کمپنی اگر فرض کریں کوئی ایسا ہیپ ہیزرڈ یا کوئی ایسی انسرٹن ایونٹ ہو جاتا ہے کہ انشورنس کمپنی فل کلیم جو ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کرتی، تو جو ڈفرنس ہے وہ لیسی کو خود بیئر کرنا پڑے گا. بٹ ان اسلامک فائنینس اگر کلیم فلفل نہیں ہوتا تو اس کا ڈفرنس جو ہے دیٹ وڈ بی بورن بائی لیسر، چونکہ وہ اس کو اون کر رہا ہے. اف دا لیز وہیکل از سٹولن اور کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ، دا کنونشنل لیزنگ کمپنی وڈ کنٹینیو چارجنگ دا لیز رینٹ انٹل دا سیٹلمنٹ آف دا انشورنس کلیم. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کنونشنل لیز کے اندر اگر لیز وہیکل چوری ہو جاتی ہے یا ڈسٹروائے ہو جاتی ہے تو کنونشنل لیزنگ کمپنی رینٹ چارج کرتی رہتی ہے جب تک تکافل کمپنی اس کو یا لیز انشورنس کمپنی اس کا کلیم سیٹسفائی نہیں کر دیتی. بٹ انڈر دا اسلامک سسٹم رینٹ از کنسیڈریشن فار یوزیج آف دا لیز ایسٹ. رینٹ جو ہے وہ کمپنسیشن ہے یا کنسیڈریشن ہے اس چیز کا جو لیسی نے استعمال کی. اینڈ اف دا ایسٹ ہیز بین سٹولن اور ڈسٹرائڈ، لیکن اگر ایسٹ چوری ہو گیا یا تباہ ہو گیا، دا کانسیپٹ آف رینٹل بیکمس وائڈ، تو جو کانسیپٹ آف رینٹل ہے وہ سیز ہو جاتا ہے. ایز سچ این اسلامک بینک کین ناٹ چارج دا رینٹل. تو ایسی سچویشن میں اسلامک بینک رینٹل چارج نہیں کر سکتا. تو کیا بات ہوئی یہاں پر کہ کنونشنل لیزنگ کے اندر تو اگر کوئی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے ساتھ آپ کا لیز ایسٹ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، تو جب تک انشورنس کمپنی کلیم کو سیٹسفائی نہیں کرتی کنونشنل بینک آپ سے رینٹ چارج کرتا رہتا ہے. لیکن اسلامک بینک کے اندر چونکہ رینٹ ایسوسیٹیڈ ہے یوزیج کے ساتھ، تو جیسے ہی وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے یا اس کا لاس ہوتا ہے یا وہ چوری ہوتا ہے تو پھر آف کورس آپ لوگ رینٹ مزید پے نہیں کرتے، رینٹ وہیں سے سیز ہو جاتا ہے. نیکسٹ ڈفرینسز، ان سم کنونشنل لیزز دا لیسر از گیون این انریسٹرکٹیڈ پاور to terminate the lease unilaterally at his sole discretion. کچھ conventional leases کے اندر lesser کے پاس ایک unrestricted power ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی کے ساتھ lease کو ختم کر سکتا ہے. اجارہ is a binding contract and if there is no contravention on the part of the lessee. اجارہ ایک binding contract ہے اور اگر کوئی کانٹراوینشن نہیں ہے لیسی کے پارٹ کے اوپر تو دا لیز کین ناٹ بی ٹرمینیٹڈ بائی اینی ون پارٹی. تو لیز کسی بھی پارٹی سے ٹرمینیٹ نہیں ہو سکتی. اٹ کین بی پرووائڈیڈ ان دا ایگریمنٹ دیٹ اف دا لیسی کنٹراوینز اینی ٹرمز آف دا ایگریمنٹ. یہ ایگریمنٹ میں لکھا جا سکتا ہے کہ اگر لیسی جو ہے وہ کسی بھی ٹرمز یا کنڈیشنز کے ساتھ کنٹراوین کرتا ہے تو دا لیسر ہیز اے رائٹ ٹو ٹرمینیٹ دا لیز کانٹریکٹ یونیلیٹرلی. تو لیسر کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ لیز کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرے اپنی ہی طرف سے، مطلب اسے کانسنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود سے چاہے تو اس کو ٹرمینیٹ کر سکے گا. تو کیا بات ہوئی، کنونشنل لیز کے اندر جب چاہے لیسر لیز کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، لیکن اسلامک فائنانس کے اندر آپ اگر لیسی کسی ٹرمز کو کنٹراوین نہیں کر رہا تو لیسر کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کرے، لیکن اگر وہ کنٹراوین کرتا ہے اور یہ ایگریمنٹ آپ کے لیز کانٹریکٹ کے اندر موجود ہے تو پھر لیسر یونیلیٹرلی اس کو ختم کر سکتا ہے. نیکسٹ از، ان موسٹ کنٹمپرری فائنینشیل لیز این ایکسٹرا اماؤنٹ از چارج اف رینٹ از ناٹ پیڈ آن ٹائم. آج کی فائنینشیل لیزز کے اندر اگر رینٹ وقت پہ نہ ہو تو ایک ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کی جاتی ہے. This extra amount is taken by the leasing institutions into their income. اور یہ جو extra income ہے یہ ان کی income کے اندر charge کی جاتی ہے. This is prohibited due to being riba. جو کہ of course ربا کے طور پر سمجھتے ہوئے اس کو اسلامک فائنینس کے اندر منع فرمایا گیا. Under اجارہ the lessee may be asked to undertake that if he fails to pay rent on its due date he'll pay a certain amount to a charity but the bank cannot charge any further return. لیکن اجارہ کے اندر کسٹمر کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لیٹ پیمنٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ کو لیٹ فیس پے کرنا پڑے گی، اور وہ لیٹ فیس جو ہے وہ بینک کو نہیں دے گا، وہ دا لیٹ فیس وڈ گو ٹو دا
charity account. Under conventional leasing contracts, the vehicle is automatically transferred to the name of the customer upon completion of the lease period. कन्वेंशनल लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हीकल जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है कस्टमर के नाम के ऊपर जैसे लीज पीरियड कंप्लीट होता है. इन इजारा द कस्टमर इज नॉट ऑब्लाइज टू परचेज द व्हीकल. इजारा में कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या वो बाउंड नहीं है कि वो व्हीकल को खरीदे. ही मे परचेज द एसेट थ्रू अ फॉर्मल सेल डीड. वो इसको खरीद सकता है एक फॉर्मल सेल डीड के थ्रू इफ ही कंसिडर इट बेनिफिशियल फॉर हिम. अगर वो समझता है कि इसका उसको फायदा है. तो कन्वेंशनल लीज के अंदर कोई सेल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है. जैसे ही लीज पीरियड खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली जो है वो एसेट उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है लेसी के. लेकिन इजारा के अंदर आपको आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है एज ए लेसी कि आपने इसको खरीदना ही खरीदना है. अगर आप अप्रोप्रिएट समझते हैं कि दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू तो फिर आप इसको ऑफकोर्स लीज करा सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं थ्रू सेल एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज अप फ्रंट पेमेंट हैज टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट. अप फ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी कन्वेंशनल लीज के केस के अंदर जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं. द फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस फर्स्ट मंथ्स रेंटल एटसेट्रा. तो एक डाउन पेमेंट होगी. डाउन पेमेंट के साथ पहले जो महीना है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया जाएगा और पहले महीने का रेंटल भी इन एडवांस दिया जाएगा इन कॉन्वेंशनल लीजेस. इस्लामिक बैंक्स नॉर्मली टेक ओनली अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. इस्लामिक बैंक्स शुरू में सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं विच इज रिफंडेबल इफ द लीज इज नॉट फाइनलाइज्ड, जो कि रिफंडेबल होता है अगर लीज फाइनल नहीं होती. The bank has the authority to recover only actual expenses, not including the cost of funds. तो bank के पास authority होती है कि वो recover करे actual expenses को, cost of funds को नहीं. तो ये क्या difference हुआ कि जब हम conventional lease के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ upfront payments करनी पड़ती हैं जिसके अंदर एक down payment शामिल है, insurance premium शामिल है, पहले महीने का rent शामिल है, insurance expenses शामिल है. लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर आपको सिर्फ सिक्योरिटी पहले डिपॉजिट कराना होती है जो कि रिफंडेबल होती है अगर लीज आपकी कंटिन्यू नहीं होती या वो मैच्योर नहीं होती. और बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो इसको रिकवर करे एक्चुअल एक्सपेंसेस को जिसमें कॉस्ट ऑफ फंड शामिल नहीं है, जिसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. तो ये तो थे डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेंशनल एंड इस्लामिक फाइनेंस लीज इन केस ऑफ ऑटो फाइनेंसिंग या ऑटो लीजिंग. अब चूंकि हम इस काबिल हो गए हैं, इजारा को बड़ा डिटेल में हमने पढ़ लिया, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मजीद प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सी को केस स्टडी डिस्कस किए लेते हैं. द केस स्टडी इज हेयर एबीसी टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड. वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ मेरिट इस्लामिक बैंक हैज रिक्वेस्टेड एन इजारा फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग एसेट्स. एबीसी टेक्सटाइल मिल्स जो कि मेरिट इस्लामिक बैंक की कस्टमर है, उसने रिक्वेस्ट की है इजारा फैसिलिटी के लिए फॉलोइंग एसेट्स के बारे में. द क्लाइंट विल डिपॉजिट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इजारा एसेट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी. जो एबीसी टेक्सटाइल मिल है वो जो एसेट लेना चाह रहा है उसके बारे में 10% जो है वो इन एडवांस एज अ सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराएगा. और एसेट्स क्या क्या है, कंपनी कार्स 20 जिसकी कीमत क्या है 10 मिलियन, और इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद एक्स वाई जी बैंक. दूसरा एसेट है ट्रक्स, ये भी 20 की तादाद में चाहिए और 360 मिलियन इनकी कॉस्ट है. डाइंग प्लांट 140 मिलियन कॉस्ट है, ऑलरेडी ओन्ड बाय द क्लाइंट. ये वो एसेट्स हैं जो कि क्लाइंट ऑलरेडी ओन करता है. फिर लूम्स 50 लूम्स चाहिए जिनकी कीमत क्या है 15 मिलियन और ऑपरेटिंग फॉर अबाउट 1 ईयर, एक साल से ये काम कर रही है. द इस्लामिक बैंक एम्प्लॉई इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड. इस्लामिक बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिसाइड करना है क्या, पहला इशू विच एसेट विल द बैंक फाइनेंस थ्रू अ डायरेक्ट लीज एंड विच थ्रू सेल एंड लीज बैक.
ये तो हमें पता है कि सेल एंड लीज बैक क्या होती है और डायरेक्ट लीज क्या होती है। तो पहला इशू तो ये होगा कि जो बैंक का एम्प्लॉई है वो ये डिसाइड करेगा कि बैंक किस एसेट को डायरेक्ट लीज के तौर पर फाइनेंस करेगा और किसको सेल एंड लीज बैक के तौर पर फाइनेंस करेगा। व्हाट फैक्टर्स इल इट कंसिडर बिफोर अलाउइंग सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो जहन में रखेगा डायरेक्ट लीज या फिर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस के केस के अंदर। इशू टू, वन ईयर आफ्टर लीजिंग द लूम्स फॉर हिज फैक्ट्री, एक साल बाद लूम्स की फाइनेंसिंग इसकी फैक्ट्री को, एबीसी रिपोर्ट्स टू द बैंक दैट फाइव ऑफ द लूम्स हैव ब्रोकन डाउन, पांच लूम्स टूट गई हैं एंड हैव टू बी रिपेयर्ड, और उनको रिपेयर करना है। द बैंक आस्क द एवेल्यूएटर फ्रॉम द तकाफुल कंपनी टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड डैमेज। तो बैंक तकाफुल कंपनी के एवेल्यूएटर को कहता है कि इसके रिपेयर और डैमेज एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो। द एवेल्यूएटर रिपोर्ट्स आफ्टर इंस्पेक्शन दैट द लूम्स ब्रोक डाउन ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। एवेल्यूएटर बताता है कि ये लूम्स इसलिए टूट गई क्योंकि देयर वॉज प्योर पुअर मेंटेनेंस फ्रॉम द कस्टमर साइड या क्लाइंट साइड, एंड इट टेक अ मंथ टू बी रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000 पर लूम, और कम से कम एक महीना लगेगा इसको रिपेयर करने में जिसकी कॉस्ट 20,000 आएगी। हाउ शुड द बैंक कैलकुलेट फ्यूचर रेंटल्स, बैंक को फ्यूचर रेंटल्स कैसे कैलकुलेट करने चाहिए, एंड द रेंटल फॉर द टाइम वेन द लूम्स आर बींग रिपेयर्ड, और उस टाइम का रेंटल जिसमें लूम को रिपेयर किया जा रहा है। इशू नंबर थ्री, एबीसी हैज ऑलरेडी लीज्ड 20 कार्स फ्रॉम द बैंक फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। एबीसी टेक्सटाइल मिल्स ऑलरेडी 20 कारें लीज करा चुके हैं जिनका टेन्योर 5 साल है, एंड हैज यूज देम टू वेरिंग डिग्रीज, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीपल पर्पजेस के लिए। 2 ईयर्स डाउन द लाइन, 2 साल बाद, एबीसी रिक्वायर्स द बैंक टू सेल हिम 10 व्हीकल्स एट अ प्राइस ऑफ ₹400,000 ईच। 2 साल के बाद एबीसी रिक्वेस्ट करता है कि उसको 10 व्हीकल्स बेचे 4 लाख के ऊपर एक। शुड द बैंक एक्सेप्ट हिज ऑफर, बैंक को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड व्हाट कंसीडरेशन शुड डिटरमिन द डिसीजन, और कौन कौन सी कंसीडरेशंस हैं जो इस डिसीजन को डिटरमिन करेंगी कि बेचे या ना बेचे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग तकाफुल आउटस्टैंडिंग आर ₹20,000 पर व्हीकल, प्रीपेड खर्चे जिसके अंदर तकाफुल भी शामिल है वो ₹20,000 पर व्हीकल अभी आउटस्टैंडिंग है। द आउटस्टैंडिंग इजारा इन्वेस्टमेंट इज ₹350,000 पर व्हीकल, और जो आउटस्टैंडिंग इजारा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो अभी तक 3,50,000 पर व्हीकल आउटस्टैंडिंग है। चौथा इशू है, इन द सेम ईयर वन ऑफ द कार्स इज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। इसी साल में एक कार डिस्ट्रॉय हो जाती है एक एक्सीडेंट के अंदर जिसमें क्लाइंट की नेग्लिजेंस शामिल नहीं है। द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग इजारा इन्वेस्टमेंट इज द सेम एज गिवन इन इशू नंबर थ्री अबव, जो उसकी रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग इजारा है इजारा इन्वेस्टमेंट है वो उतनी है जो कि इशू नंबर तीन में थी, और वो कितनी थी, 3,50,000। द तकाफुल अमाउंट रिकवर्ड बाय द बैंक इज ₹4,50,000, बैंक तकाफुल अमाउंट 4,50,000 रुपया रिकवर कर चुका है, एंड द क्लाइंट डिपॉजिटेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹50,000, और क्लाइंट ने सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 का जमा कराया हुआ है। वट अमाउंट इज द बैंक लीगली बाउंड अंडर द इजारा एग्रीमेंट टू गिव टू द क्लाइंट, कितनी अमाउंट बैंक लीगली बाउंड है इजारा एग्रीमेंट के थ्रू कि वो क्लाइंट को पे करेगा। इन व्यू ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट बिहेवियर, इन वट वेज कैन द बैंक अकोमोडेट द क्लाइंट विदाउट बर्डनिंग इट सेल्फ। सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट बिहेवियर की बेसिस के ऊपर बैंक कौन से रास्ते इख्तियार कर सकता है क्लाइंट को अकोमोडेट करने के लिए ताकि बर्डन सिर्फ उसके ऊपर ना आए। तो इस केस के ये 4 डिफरेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू क्या था कि कौन से एसेट्स को बैंक को डायरेक्ट लीज करना चाहिए और कौन से एसेट्स को सेल एंड लीज बैक करना चाहिए। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो द एसेट्स दैट कैन बी फाइनेंस अंडर डायरेक्ट लीज आर ट्रक्स बिकॉज द बैंक हैज टू परचेज द सेम फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि बैंक को ये ट्रक्स मार्केट ओपन मार्केट से परचेज करने होंगे। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होगी, एजेंसी एग्रीमेंट एंड लेटर ऑफ एजेंसी। एक तो एजेंसी एग्रीमेंट चाहिए होगा और लेटर ऑफ एजेंसी भी चाहिए होगा कि कौन एज एन एजेंट काम करेगा। अंडरटेकिंग टू इजारा, इजारा की अंडरटेकिंग चाहिए होगी, इजारा एग्रीमेंट,
इजारा एग्रीमेंट चाहिए होगा जिसके अंदर क्या क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इजारा एसेट, वो एसेट जो कि इजारा के अंदर आ रहा है उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, स्केड्यूल ऑफ इजारा रेंटल्स, इजारा रेंटल्स जो है वो किस किस तरीके से पे होंगे, इनका स्केड्यूल क्या है, रिसीट ऑफ एसेट, एसेट की डिलीवरी की रिसीट कि उसको मिल गया, डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी इसके अंदर शामिल होगा। देन इजारा रेंटल स्केड्यूल एक अलग से भी उसका हिस्सा होगा। यूनिलेटरल प्रॉमिस टू सेल परचेज इजारा एसेट, यूनिलेटरल प्रॉमिस भी होगा इसको बेचने का या इसको खरीदने का जो कि एसेट इजारा के ऊपर लीज किया। सेल डीड एट द एंड, आखिर में सेल डीड, तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी। और चूंकि हम लोग डायरेक्ट लीज जो है वो ट्रक्स कर सकते हैं जो कि ओपन मार्केट से ले सकते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो ऑफकोर्स लीज की तरफ जाया जा सकता है। दूसरा, आप कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको हम लोग सेल एंड लीज बैक कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी। द एसेट्स दैट कैन बी फाइनेंस्ड अंडर अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट आर द डाइंग प्लांट, लूम्स एंड कंपनी कार्स ऑलरेडी ओन्ड बाय द क्लाइंट। यहां पे हम लोग सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट कर सकते हैं डाइंग प्लांट के लिए, लूम्स के लिए और कंपनी कार्स के लिए जो कि क्लाइंट ऑलरेडी ओन करता है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, सेल डीड ऑफ कार्स एंड प्लांट, कार्स और प्लांट का सेल डीड चूंकि बैंक उसको ऑलरेडी ओन, सॉरी चूंकि क्लाइंट उसको ऑलरेडी ओन करता है। अंडरटेकिंग टू इजारा, इजारा की अंडरटेकिंग, इजारा एग्रीमेंट भी चाहिए होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ इजारा एसेट्स, वो एसेट्स जो इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इजारा रेंटल स्केड्यूल, किस किस तरीके से रेंट पे ऑफ होगा, इंस्टॉलमेंट्स कैसे आएंगी। डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डिमांड प्रॉमिसरी नोट फाइल होगा। प्रॉमिस टू सेल और परचेज इजारा एसेट्स, इसका भी प्रॉमिस चाहिए होगा इसको बेचने या खरीदने का इजारा एसेट का। फॉर सेल एंड लीज बैक एन इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट कंसिडर द नीड एंड विलिंगनेस ऑफ द क्लाइंट टू अवॉइड इंटरेस्ट एंड वर्क विद एन इस्लामिक बैंक। सेल एंड लीज बैक के लिए इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाजमी कंसिडर करना चाहिए उसकी ज़रूरत को और उसकी विलिंगनेस को क्लाइंट के हवाले से कि क्लाइंट उसको उसकी ज़रूरत भी है या उसके बारे में विलिंग भी है ताकि वो इंटरेस्ट को अवॉइड कर सके और इस्लामिक बैंक के साथ वो काम करना चाहता है। फर्दर इट विल ऐड द कंडीशन दैट ABC टेक्सटाइल विल नॉट आस्क फॉर अर्ली रिटायरमेंट बिफोर 1 ईयर। इसके अलावा इसमें यह भी कंडीशन ऐड होनी चाहिए कि ABC टेक्सटाइल जो है वो अर्ली रिटायरमेंट नहीं मांगेगी 1 साल से पहले, मतलब 1 साल से पहले बैकआउट नहीं करेगी। तो ये था आंसर ऑफ इशू नंबर 1। इशू नंबर 2 क्या था, पहले एक दफा इशू नंबर 2 रिवाइज करते हैं कि 1 ईयर आफ्टर लीजिंग द लूम्स फॉर हिज फैक्ट्री ABC रिपोर्ट्स टू द बैंक दैट 5 ऑफ द लूम्स हैव ब्रोकन डाउन एंड हैव टू बी रिपेयर्ड। 1 साल गुजरने के बाद ABC बताता है कि इसकी 5 लूमें जो हैं वो टूट गई हैं और उनको रिपेयर करना है। बैंक इवेल्यूएटर भेजता है तकाफुल कंपनी की तरफ से और कैलकुलेट कराता है इसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर और डैमेज। इवेल्यूएटर रिपोर्ट करता है इंस्पेक्शन के बाद कि लूम्स टूटी पुअर मेंटेनेंस की वजह से, जो कि क्लाइंट की पुअर मेंटेनेंस थी और कम अज़ कम 1 महीना लगेगा इसको रिपेयर करने में और पर व्हीकल या पर लूम जो कॉस्ट आएगी वो 20,000 रुपया होगी। अब देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। इसका आंसर है एज पर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट द एसेट वॉज नॉट हैंडल्ड विद केयर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस वॉज नॉट मेड बाय द क्लाइंट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक एसेट जो है उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं की गई जिसकी जिम्मेदारी क्लाइंट की है। देयरफोर द बैंक शुड आस्क द क्लाइंट टू रिपेयर द एसेट एट हिज कॉस्ट। इसलिए बैंक को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि वो एसेट को रिपेयर करे अपनी कॉस्ट पर, क्योंकि इसके अंदर उसकी अपनी पर्सनल नेग्लिजेंस शामिल है। द बैंक कैन नॉट बेयर द लॉस, बैंक इस खर्चे को पूरा नहीं करेगा। अपेरेंटली द रेंटल विल कंटिन्यू टू बिकम ड्यू एंड रीस्केड्यूलिंग ऑफ द इजारा पेमेंट प्लान शुड नॉट बी नीडेड। ज़ाहरी तौर पर तो ये नज़र आता है क्योंकि गलती उसकी क्लाइंट की अपनी थी, तो ऐसी सिचुएशन में रेंटल स्केड्यूल चलता रहेगा एज इट इज और उसमें कोई चेंज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
However, the Sharia advisor should be involved and may decide on merit whether the client may be given any relaxation or not. लेकिन शरिया एडवाइज़र को यहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि यहाँ पर मेरिट पर क्या क्लाइंट को कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या के नहीं मिलनी चाहिए. तो इशू नंबर थ्री ये था. इशू नंबर थ्री वॉज एबीसी हैज़ ऑलरेडी लीज्ड 20 कार्स फ्रॉम द बैंक फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स. एबीसी ने पहले से 20 कारें 5 साल के टेन्योर पर खरीदी हुई हैं और उनको इस्तेमाल किया है वेरियस पर्पजेज के लिए. 2 साल के बाद एबीसी रिक्वेस्ट करता है बैंक को कि ये व्हीकल्स 10 जो व्हीकल्स हैं उसको बेच दी जाएं 4 लाख रुपए के ऊपर. क्या बैंक को ये एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर इसके बारे में. ओके, इन द गिवन सिनेरियो द बैंक कैन एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द क्लाइंट फॉर द परचेज ऑफ 10 कार्स. इस सिनेरियो के अंदर बैंक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऑफर 10 कारें बेचने का विद द कंसीडरेशन दैट द प्राइस ऑफर्ड बाय द क्लाइंट कवर्स द करंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज. इस कंसीडरेशन के साथ कि जो प्राइस ऑफर हो रही है उसकी करंट लायबिलिटीज को फुलफिल करता है. दैट इज 3.7 मिलियन. एंड थ्रू दिस ऑफर द बैंक कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹300,000. और इस ऑफर के साथ बैंक 3 लाख रुपए का प्रॉफिट भी अर्न करेगा. दैट इज ₹30,000 पर कार. हर कार से इसको ₹30,000 का प्रॉफिट मिलेगा. इवन आफ्टर रिटर्निंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट with the assumption that the security deposit is included in the offer price. Even कि अगर वो security deposit भी pay off कर दे वापस कर दे ये assume करते हुए कि वो already price में शामिल है तो फिर भी he will be well off. तो ऑफ कोर्स इशू नंबर थ्री के तहत क्या बैंक को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर को या नहीं. बैंक को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसको हर कार के ऊपर यहां पर अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करके फिर भी फायदा हो रहा है. नाउ इशू नंबर फोर क्या था. इशू नंबर फोर वॉज के इन द सेम ईयर वन ऑफ द कार्स इज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट. उसी साल में एक कार जो है वो एक्सीडेंट के अंदर तबाह हो गई विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट जिसके अंदर क्लाइंट का कसूर नहीं था. द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग एजारा इन्वेस्टमेंट इज द सेम एज गिवन इन द इशू नंबर थ्री. जो उसके बकाया जाते हैं वो वही हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए. द काफुल अमाउंट जो रिकवर होगी वो 4,50,000 रुपये है. क्लाइंट ने सिक्योरिटी 50,000 रुपये डिपॉजिट कराई है. बैंक को लीगली क्या करना चाहिए. तो इसके जवाब में एज पर द इजारा एग्रीमेंट एनी लॉस दैट अकर्स टू द एसेट विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ द क्लाइंट विल बी बॉर्न बाय द बैंक. इजारा एग्रीमेंट के तहत कोई भी लॉस जो कि कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से ना हो उसका खर्चा बैंक को बर्दाश्त करना होता है. द क्लाइंट हैज द राइट टू टेक बैक द सिक्योरिटी डिपॉजिट एज द एग्रीमेंट हैज कम टू एन एंड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट. क्लाइंट अपनी सिक्योरिटी वापस ले सकता है चूंकि एग्रीमेंट जो है वो एंड हो जाएगा एसेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद. देयरफॉर ही विल बी पेड ₹50,000 ऑफ हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसलिए उसको 50,000 रुपया जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस कर दिया जाएगा. द बैंक हैज बीन पेइंग द तकाफुल प्रीमियम एज ओनर ऑफ द एसेट. बैंक तकाफुल प्रीमियम उसका ओनर होने के नाते पे करता रहा. एज सच लीगली द बैंक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द तकाफुल क्लेम. तो बैंक एंटाइटल्ड है तकाफुल क्लेम लेने का. हाउएवर द क्लाइंट हैज बीन पेइंग रेंटल मोर देन द मियर रेंटल ऑफ सिमिलर एसेट्स एज प्रीवेलेंट इन द मार्केट. जबकि क्लाइंट जो है वो रेंटल पे करता रहा है उस सिमिलर एसेट के जो रेंटल से मार्केट से डिफरेंट ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ द कॉस्ट बाय द बैंक इन द नॉर्मल रेंटल. उसकी कॉस्ट को नॉर्मल रेंटल में इंक्लूड करते हुए. एंड ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स एज पर एग्रीमेंट. और वो सारी इंस्टॉलमेंट्स एग्रीमेंट के मुताबिक पे कर चुका है. एज पर क्लॉज 8/8 ऑफ द WOIFI स्टैंडर्ड ऑन इजारा द बैंक शुड अलाउ गिव द कस्टमर ₹130,000 दैट इंक्लूड्स ₹50,000 ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड द क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम द तकाफुल कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग एज पर नंबर 3 अबव मेकिंग द अमाउंट ₹80,000. तो अब WOIFI स्टैंडर्ड के तहत जो कि इजारा का है बैंक को 1,30,000 रुपया पे करना चाहिए कस्टमर को. क्यों? क्योंकि जो 50,000 रुपया वो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट था. अब चूंकि मार्केट से ज्यादा अमाउंट इससे चार्ज कर रहा था अब लाइबिलिटीज पे ऑफ होने के बाद जो इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा तकाफुल कंपनी की तरफ से उसमें से भी ₹80,000 रुपया वो इसको क्लाइंट को देगा. चूंकि दैट वॉज द कॉम्पनसेशन या रिबेट है उसको उसके ऊपर जो कि उसकी लाइबिलिटीज से ज्यादा है. तो ही वुड ऑल्सो कॉम्पनसेट द क्लाइंट इन दिस केस.
तो केस समझ आया आपको? चारों डिफरेंट सिनेरियोस थे जिसके अंदर अभी तक हमने इजारा के बारे में जो कुछ पढ़ा वो एक एक आइटम को हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की कि अगर ऐसा इशू हो जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा इशू हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आगे मूव करते हैं, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इजारा। इजारा का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग इजारा, एसेट्स एक्वायर्ड बाय द बैंक एज लेसर। एसेट्स जब बैंक एक्वायर करता है लेसर के तौर पर, आर रिकॉग्नाइज्ड एट हिस्टोरिकल प्राइस, उनको उनकी हिस्टोरिकल प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है जितने का खरीदा था। डिप्रिशिएट एज पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन पॉलिसी, जो भी डिप्रिसिएशन नॉर्मल पॉलिसी है उसके तहत इनको डिप्रिशिएट भी किया जाएगा। एंड आर प्रेजेंटेड एज इन्वेस्टमेंट्स इन द इजारा एसेट्स अकाउंट, तो इजारा एसेट अकाउंट के अंदर इनको एज एन इन्वेस्टमेंट शो किया जाएगा। तो लेसर अपनी किताबों में कैसे शो करेगा? एक तो हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर शो करेगा, उसको नॉर्मल डिप्रिसिएशन मेथड लगाकर डिप्रिशिएट भी करेगा और एज एन इन्वेस्टमेंट शो करेगा अपने इजारा एसेट अकाउंट के अंदर। फिर इजारा रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? इजारा रेवेन्यू और एक्सपेंस इज एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली इन फाइनेंशियल पीरियड्स ओवर द लीज टर्म। लीज टर्म के दौरान जितना जितना जिस जिस पीरियड से ये रेवेन्यू या एक्सपेंस रिलेट करेगा उतना उतना एज ए रेवेन्यू ट्रीट होता चला जाएगा। इजारा रेवेन्यू और एक्सपेंस इज प्रेजेंटेड एज इजारा रेवेन्यू, इजारा रेवेन्यू जो है उसको एज एन इजारा रेवेन्यू ही शो किया जाता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनके साथ क्या होगा? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड ओवर द लीज टर्म और अदरवाइज चार्ज डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस। इसको जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं इनको एलोकेट किया जा सकता है पूरे लीज पीरियड के ऊपर या शुरू में ही इसको डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस भी चार्ज किया जा सकता है। रिपेयर्स ऑफ लीज एसेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स इज एस्टेब्लिश्ड इफ रिपेयर्स आर मटीरियल एंड डिफर इन अमाउंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक प्रोविजन बना ली जाती है रिपेयर्स के लिए और रिपेयर्स को मटीरियल किया जाता है अगर वो कोई डिफरेंट हो जाते हैं उस अमाउंट से तो साल ब साल। रिपेयर्स अंडरटेकन बाय द लेसी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। वो रिपेयर्स जो लेसी करवाता है लेसर से परमिशन लेने के बाद वो भी एज एन एक्सपेंस ट्रीट होते हैं फॉर लेसर। दूसरा है इजारा मुंतहिया भी तमलीक थ्रू गिफ्ट। गिफ्ट के थ्रू ये इजारा कैसे होता है? एसेट्स एक्वायर्ड, जब एक्वायर किए जाते हैं तो ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर शो किए जाएंगे। दीज एसेट्स आर प्रेजेंटेड एज इजारा मुंतहिया भी तमलीक विद एसेट्स मेजर्ड एट बुक वैल्यू। इनको शो किया जाएगा उन एसेट्स के साथ जो बुक वैल्यू पे लिखे जाते हैं। वुड बी डिप्रिशिएटेड एज पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन पॉलिसी, डिप्रिसिएशन भी होगी। हाउएवर नो रेजिडुअल वैल्यू शैल बी सब्ट्रैक्टेड सिंस इट इज टू बी ट्रांसफर टू द लेसी थ्रू गिफ्ट। इसके अंदर कोई रेजिडुअल वैल्यू डिटरमिन नहीं होगी क्योंकि ये वाला एसेट जो है ये थ्रू गिफ्ट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ट्रांसफर हो जाएगा किसको? लेसी को। इस केस में इजारा रेवेन्यू एक्सपेंस के साथ क्या होगा? इज एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली इन फाइनेंशियल पीरियड्स ओवर द लीज टर्म। जो फाइनेंशियल पीरियड है उसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसेस जो है स्प्रेड हो जाते हैं एंड इजारा रेवेन्यू वुड बी प्रेजेंटेड एज इजारा रेवेन्यू। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का इस केस में क्या होगा? जब हमने शुरू में कह दिया कि आखिर में जाकर यह गिफ्ट हो जाएगा। मटीरियल कॉस्ट आर एलोकेटेड ओवर द लीज टर्म और अदरवाइज चार्ज डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस। सेम केस, या तो हम लोग उसको ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म ले जाएंगे एक्सपेंसेस को या फिर हम लोग उसको डायरेक्टली चार्ज कर देंगे एज एन एक्सपेंस। रिपेयर्स ऑफ लीज एसेट्स, अ प्रोविजन फॉर रिपेयर्स इज एस्टेब्लिश्ड इफ रिपेयर्स आर मटीरियल एंड डिफर इन अमाउंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसके लिए भी प्रोविजन बनाएंगे। रिपेयर्स अंडरटेकन बाय द लेसी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। वो रिपेयर्स जो लेसी लेसर से परमिशन लेकर करेगा उनको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड और लीज टर्म, लीगल टाइटल पासेस सब्जेक्ट टू सेटलमेंट ऑफ इजारा इंस्टॉलमेंट्स। जब फाइनेंशियल पीरियड या लीज टर्म एंड होगी तो जो लीगल टाइटल है वो पास ऑन हो जाएगा लेसी की तरफ अगर इजारा की तमाम इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो। परमानेंट इंपेयरमेंट और सेल ऑफ लीज एसेट, परमानेंट इंपेयरमेंट या सेल ऑफ लीज एसेट को कैसे देखेंगे? इफ द इजारा इंस्टॉलमेंट्स एक्सीड द फेयर रेंटल अमाउंट एंड इंपेयरमेंट इज नॉट ड्यू टू एक्शन और रिमिशन ऑफ द लेसी, द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी ड्यू एंड चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। अगर इजारा इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है फेयर रेंटल अमाउंट से
और एम्पेयर जो है वो उसके एक्शन या ओमिशन ऑफ लेसी की वजह से नहीं है, तो जो डिफरेंस है दो अमाउंट्स का वो रिकग्नाइज किया जाएगा लायबिलिटी के तौर पर और चार्ज किया जाएगा डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट। नंबर थ्री, इजारा मुंतहिया भी तमलीक फॉर टोकन कॉन्सिडरेशन और स्पेसिफाइड अमाउंट एसेट्स एक्वायर्ड। इस केस में एसेट्स एक्वायर्ड आर रिकग्नाइज एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, आर प्रेजेंटेड एज इजारा मुंतहिया भी तमलीक एसेट्स एंड मैयड एट बुक वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड इन डिटरमिनिंग द डिप्रिसिएबल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन पॉलिसी। इस केस के अंदर चूंकि आखिर में जाके गिफ्ट नहीं करना, तो रेजिडुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाती है उसकी टोटल वैल्यू में से डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, और डिप्रिसिएशन जो है वो नॉर्मल डिप्रिसिएशन पॉलिसी के तहत चार्ज होगी। इजारा रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ क्या होगा? एक्सपेंस इज एलोकेटेड प्रोपोर्शनेटली इन फाइनेंशियल पीरियड्स ओवर द लीज टर्म, बिल्कुल उसी तरह, और इजारा रेवेन्यू को एज ए इजारा रेवेन्यू ही ट्रीट किया जाता है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट आर एलोकेटेड ओवर द लीज टर्म और अदरवाइज चार्ज डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस। रिपेयर ऑफ लीज एसेट्स, अ प्रोविजन फॉर रिपेयर इज एस्टेब्लिश्ड इफ रिपेयर्स आर मटीरियल एंड डिफर इन अमाउंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेम, रिपेयर्स अंडरटेकन बाय द लेसी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। सेम वही ट्रीटमेंट होगा इस केस में भी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड और लीज टर्म, लीगल टाइटल पासेस सब्जेक्ट टू द सेटलमेंट ऑफ इजारा इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑन परचेज ऑफ द एसेट बाय द लेसी। लीगल टाइटल पास होगा अगर इंस्टॉलमेंट सारी पूरी हो जाती हैं और एसेट बाय होता है लेसी के थ्रू। इफ द लेसी इज नॉट ऑब्लाइज टू परचेज एंड डिसाइड्स नॉट टू डू सो, अगर लेसी की जिम्मेदारी है परचेज करने की और वो डिसाइड करता है कि वो ये नहीं खरीदेगा, द एसेट शैल बी प्रेजेंटेड एज एसेट्स एक्वायर्ड फॉर इजारा, तो एसेट को प्रेजेंट किया जाएगा एक ऐसे एसेट की तरह जिसको इजारा के ऊपर लिया गया। एंड वैल्यूड एट द लोअर ऑफ द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू और द नेट बुक वैल्यू, और इसको वैल्यू किया जाएगा एज ए कैश इक्विवेलेंट वैल्यू या फिर नेट बुक वैल्यू के तौर पर। इफ द कैश इक्विवेलेंट इज लेस देन द नेट बुक वैल्यू, अगर कैश इक्विवेलेंट जो है वो नेट बुक वैल्यू से कम है, द डिफरेंस बिटवीन द टू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लॉस, तो उसको ऑफकोर्स लॉस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इफ द लेसी इज ऑब्लाइज टू परचेज द एसेट ड्यू टू हिज प्रॉमिस, अगर लेसी की जिम्मेदारी है एसेट को परचेज करना प्रॉमिस के थ्रू बट डिसाइड्स नॉट टू डू सो, और अगर वो ऐसा नहीं करता एंड द कैश इक्विवेलेंट वैल्यू इज लोअर देन द नेट बुक वैल्यू, और जो कैश इक्विवेलेंट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है, द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिसीवेबल फ्रॉम द लेसी, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो उससे एज ए रिसीवेबल ट्रीट किया जाएगा। परमानेंट इंपेयरमेंट और सेल ऑफ द लीज एसेट, इफ द इजारा इंस्टॉलमेंट्स एक्सीड द फेयर रेंटल अमाउंट एंड इंपेयरमेंट इज नॉट ड्यू टू एक्शन और ओमिशन ऑफ द लेसी, द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी ड्यू एंड चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। सेम वही बात। नंबर नेक्स्ट, इजारा मुंतहिया बी तमलीक थ्रू सेल प्रायर टू द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर अ प्राइस इक्विवेलेंट टू द रिमेनिंग इजारा इंस्टॉलमेंट्स। यहां पर भी एसेट्स एक्वायर्ड आर रिकॉग्नाइज्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, आर प्रेजेंटेड एज इजारा मुंतहिया बी तमलीक एसेट्स एंड मेजर्ड एट बुक वैल्यू, दीज आर डिप्रिशिएटेड एज पर नॉर्मल डिप्रिसिएशन पॉलिसी। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस द सेम वे जैसे हम पहले ट्रीट करते हैं उनका भी ट्रीटमेंट यहां पे भी यही है। रिपेयर्स ऑफ लीज एसेट्स, आर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स इज एस्टेब्लिश इफ रिपेयर्स आर मटीरियल एंड डिफर इन अमाउंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेम, रिपेयर्स अंडरटेकन बाय द लेसी विद द कंसेंट ऑफ द लेसर आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। एग्जैक्टली वही जो हम लोग बाकी केसेस में करते हैं इसका ट्रीटमेंट। परमानेंट इंपेयरमेंट सेल ऑफ लीज एसेट वुड बी सेम एज इन द अबव केस। तो यहां तक हम लोगों ने बात की इसकी समरी की, जिसके अंदर हम लोगों ने ओवरऑल चैप्टर को भी समराइज किया, गाइडलाइंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की हम लोगों ने बात की, कौन कौन से रिस्क हैं उनको कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, फिर एक ऑटो फाइनेंसिंग की हम लोगों ने एग्जांपल लेकर कॉन्वेंशनल और इस्लामिक लीज को आपस में कंपेयर भी किया, फिर वी डिस्कस्ड अ केस स्टडी, और उस केस स्टडी के अंदर हमने कोई चार इश्यूज रेज किए, उनको वन बाय वन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ सॉल्व किया, और फिर हम लोगों ने बात की विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एचआरआर। तो समरी ऑफ टुडेज लेक्चर इंक्लूड ऑफ कोर्स रिस्क मिटिगेशन इन द केस ऑफ इजारा, ऑटो इजारा कंपेयर्ड विद कॉन्वेंशनल लीजिंग प्रोडक्ट्स, अ हाइपोथेटिकल केस स्टडी वाज आल्सो डिस्कस्ड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इजारा वाज आल्सो डिस्कस्ड। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ रहने का। इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद पर कि अगर ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।